रऊ साहब, स्टार्टिंग फ्रॉम यू, ये 17 दिसंबर का वाकया रऊ साहब एग्जैक्ट 16 दिसंबर के बाद हुआ, जबकि हम ऑलरेडी APS के बच्चों की याद के अंदर वक्त गुजार रहे थे। उसके बाद हमने तहैया किया था कि ये नेशनल एक्शन प्लान हम लोगों ने बना लिया, तमाम जमातें बैठी, सर जोड़ कर बैठी, धरना ख़त्म हुआ, बाकायदा PTI ने धरना ख़त्म किया इस हवाले से। उसके बावजूद भी आज भी हम यही सवाल उठा रहे हैं कि नेशनल एक्शन प्लान का इतलाक हुआ है या नहीं। वो 20 नुकात के अंदर से बमुश्किल हमें 8 का निफाज होते हुए नज़र आ रहा है, वो भी पूरे तरीके से नहीं। ऐसा क्यों? आप जो 8 का नफाज होता हुआ आपको नज़र आया, वो मेरे ख्याल मेरे साथ शेयर ज़रूर कर लीजिएगा क्योंकि मेरी इंफॉर्मेशन में इजाफा हो जाएगा। मेरे हिसाब से सवाए 2 या 3 के जो कि फ़ौज के नाते में थे, जो उन्होंने काम अपना करना था, वो उसके अलावा मेरा ख्याल जितने भी पॉलिटिकल गवर्नमेंट की रिस्पांसिबिलिटी थी उसमें से किसी एक के ऊपर भी अमल नहीं हुआ। सही। अब आपका सवाल बहुत अहम है कि जी ये क्यों, क्या वजह है कि ये सब कुछ हो रहा है। 2 बातें करना चाहूँगा। नंबर 1, रियासत के अंदर अमन रखना जो है वो रियासत की ज़िम्मेदारी होती है। Agreed. और वो रियासत के नाते जो उस वक़्त की हुकूमत होती है उसकी ज़िम्मेदारी होती है। अगर आप पाकिस्तान की जो लैंडस्केप है उसके ऊपर नज़र दौड़ाएं पिछले 4, 6, 8, 10 महीनों की, तो आपको नज़र आएगा कि रियासत जो है वो कमज़ोर से कमज़ोर तर हो रही है। और अभी जो रिसेंट पास्ट में यहाँ जो फैज़ाबाद में जो धरना हुआ है, उसके बाद रियासत ने जिस एब्जेक्टली, जिस बुरे तरीके से सरेंडर किया है बिफोर दीज फोर्सेस ऑफ टेरर, मैं उनको फोर्सेस ऑफ टेरर कहता हूँ, कॉज उनकी जो भी हो, कॉज एक अलग बात है, लेकिन उनका जो मैकेनिज्म था, जिस तरीके से उन्होंने प्रोटेस्ट किया है, उसके सामने रियासत ने जिस तरीके से घुटने टेके हैं, वो मेरा ख्याल है कि पोलिटिकल तारीख में ऐसी मिसालें बहुत ही कम मिलती हैं। और उसके बाद रियासत पहले भी बहुत कमज़ोर थी और उसके बाद बहुत और कमज़ोर हो चुकी हुई है। कंसिक्वेंटली मेरा नहीं ख्याल कि अब हुकूमत वक़्त के लिए जो कि रियासत को रिप्रजेंट करती है उसके लिए एक आर्बिटर का रोल प्ले करना या एक ऐसी बॉडी का रोल प्ले करना जिसने कि रियासत में अमन कायम रखना है, उसमें वो उसके ऊपर वो पूरा उतर सकती है। तो ये बहुत इश्यूज क्रिएट हो गए हैं। दूसरी बात जो मैं करना चाहूँगा वो ये है कि पाकिस्तान ने जो पिछले कुछ सालों से टेरर के खिलाफ जो लड़ाई लड़ी है, वो टेरर के खिलाफ कहते तो हम ये है कि हमने टेरर के खिलाफ लड़ी है, लेकिन वो टेरर के खिलाफ वो लड़ाई नहीं रही। सही। वो टेरर की कुछ मैनिफेस्टेशंस के खिलाफ और किसी चंद किस्म के टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस के खिलाफ हमने वो लड़ाई लड़ी है और वो लड़ाई हमने कामयाबी से लड़ी है। मैं उसके ऊपर बिल्कुल ये नहीं कहना चाहता कि कामयाबी से नहीं लड़ी, हमने बिल्कुल तहरीके तालिबान पाकिस्तान को जो है वो काफ़ी हद तक हमने एलिमिनेट कर दिया। इसके अलावा और जो और कुछ 1-2 बॉडीज थी जिनको कराची के अमन के बारे में बहुत हमने सब्सटेंशल प्रोग्रेस की है, लेकिन मसला ये है कि टेरर जो है वो मौजूद है और उस टेरर को शायद हम ऐसा टेरर नहीं समझते कि जिसके खिलाफ हमने लड़ाई लड़नी है। और वो टेरर जिसको हमने कहते हैं कि हमने एलिमिनेट कर दिया या वो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन से इसको हमने एलिमिनेट कर दिया, वो सफ़े हस्ती से गायब तो नहीं हो गई, वो मौजूद है यहाँ। वो या हमारी जो अमन स्लम से वहाँ जा चुकी हुई हैं या वो ये है कि जी बॉर्डर के पार वो मौजूद वो शिफ्ट कर चुकी हुई हैं और वो भी जब चाहती हैं, जब भी उनके उनका कोई ऑब्जेक्टिव होता है तो वो आके पाकिस्तान में इस किस्म का फसाद क्रिएट करती हैं। लेकिन जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि रियासत पाकिस्तान का जो रोल था, जो फंक्शन था, वो टेरर के खिलाफ था, वो उसने टेरर को एलिमिनेट करना था और उसमें मेरा ख्याल है कि रियासत पाकिस्तान ने उसको सीरियसली टेक ऑन ही नहीं किया। और अभी भी हम फील करते हैं कि चंद ऐसे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन हैं जिनको हम 1 टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन मानते ही नहीं है और 2 उनके खिलाफ तो उस वक्त हम लोग लड़ाई करेंगे ना जबकि हम उनको टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन करेंगी। ये जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन हैं ये इंडिया सेंट्रिक भी हैं, ये अफगान सेंट्रिक भी हैं और ये हमारे स्ट्रेटेजिक एसेट्स के तौर के ऊपर गिरताने जाते हैं। सो पाकिस्तान की जो इस वक्त जो लैंडस्केप है, पाकिस्तान की माशरा जो है, उसमें टेरर के जो जरासीम हैं वो मौजूद हैं और वो कम नहीं हो रहे। सही। मेरे सिर्फ एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि वो कम नहीं हो रहे और वो कम इसलिए नहीं हो रहे कि आप जो आपका यहाँ धरना हुआ है इस्लामाबाद में और जिसके सामने हमारी रियासत ने घुटने टेके हैं, वो कोई एक आम टेरर ऑर्गेनाइजेशन नहीं थी, वो बल्कि उससे भी ज़्यादा आगे की तरफ जाके जो कि बहुत एक्सट्रीम के ऊपर मामला को ले जाना चाहती है वो थी। तो रियासत जब इस तरह से घुटने टेकती है तो रियासत कमज़ोर होती है और रियासत इस पोजिशन में नहीं रहती कि वो पाकिस्तान को उन तमाम मुल्क को उन तमाम जरासीम से पाक कर सके या साफ कर सके जो कि पाकिस्तान में इस किस्म के जो प्रोजेक्ट्स हैं उनको इनिशिएट करते हैं, जैसा कि प्रोजेक्ट आपका क्वेटा में हुआ है। इट्स अ सैड डे फॉर पाकिस्तान, इट्स अ वेरी सैड डे, लेकिन ये ख़त्म नहीं होगा, ये होता रहेगा उस वक्त तक जब तक कि रियासत पाकिस्तान अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को कुलियतन अंडरटेक करके इम्प्लीमेंट नहीं करती। सही।